प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्यामंदिर माउंटा हूँ। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्थ पाठ पढ़ा था, नई पर क्लिष्टा न च कठिना, न तो संस्कृत भाषा कठोर है और न ही मुश्किल से समझ में आने वाली है, मुश्किल है। तो इसके बाद में हमने असाइनमेंट के अंदर उसका अनुवाद कर लिया है पूरा का पूरा। इसके बाद में आगे आता है अपना पंच महापाठ। पाठ का नाम क्या है? तृतीय विभक्ति। यानी कि इस पाठ के अंदर हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग में भी होती है, स्त्रीलिंग में भी होती है और नपुंसकलिंग, सभी शब्दों के अंदर तृतीय विभक्ति होती है। तो उस तृतीय विभक्ति का आज हम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे और अगली वीडियो में हम स्त्रीलिंग में भी तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं घटा। घटा क्या होता है? घड़ा। महिला जलम आनयति। कोई महिला है वो क्या कर रही है? जलम आनयति, पानी ला रही है। आनयति का मतलब ला रही है। महिला केन जलम आनयति। महिला केन का मतलब किसके द्वारा? जलम आनयति, पानी लेके आ रही है। तो महिला घटा, घटा है कि का क्या बनेगा? घटेन। महिला घटेन जलम आनयति। महिला घटेन, घटेन का मतलब घड़े से जलम आनयति, पानी ला रही है। महिला कैसे पानी ला रही है? सिर के ऊपर घड़ा रख के और उस घड़े से वो पानी लेके आ रही है। तो इसके बाद है सुधा खंड। सुधा खंड क्या होता है? इसको बोलते हैं सुधा खंड, यानी चौक। तो शिक्षिका लिखती, अध्यापिका लिख रही है। यानी क्या क्या कर रही है? लिख रही है। शिक्षिका केन लिखती, अध्यापिका किसके द्वारा लिख रही है? तो अध्यापिका सुधा खंडेन लिखती। शिक्षिका सुधा खंडेन लिखती, यानी कि शिक्षिका चौक से लिखती का मतलब लिख रही है। जब यहाँ पे केन शब्द जुड़ गया, केन का मतलब होता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे वाक्य बन गया अपना प्रश्नवाचक, ये पूछ रहा है जो शिक्षिका है वो किस से लिख रही है। तो हम बता देंगे शिक्षिका सुधा खंड से, यानी कि चौक से लिख रही है। इसके बाद में आता है रेल यानम। यह जो दो शब्द है घट सुधा खंड है, ये आते हैं पुल्लिंग में। इसके बाद है रेल यानम, यह नपुंसकलिंग शब्द। तो इसमें देखते हैं छात्रा प्रवासार्थम गच्छन्ति। छात्रा माने विद्यार्थी, प्रवासार्थम घूमने के लिए किसी दूसरे नगर में दूसरे गांव में घूमने के लिए, गच्छन्ति का मतलब जा रहे हैं। छात्र कहाँ जा रहे हैं? प्रवास करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। छात्रा केन प्रवासार्थम गच्छन्ति। छात्र केन, केन का मतलब किसके द्वारा, प्रवासार्थम गच्छन्ति, छात्र किसके द्वारा प्रवास करने के लिए जा रहे हैं? तो पैदल तो नहीं जाएंगे। छात्रा रेल यानेन प्रवासार्थम गच्छन्ति। छात्र रेल यान से, रेलगाड़ी से प्रवास करने के लिए जा रहे हैं। पैदल नहीं जा रहे, कार से भी नहीं जा रहे, बस से भी नहीं जा रहे, किससे जा रहे हैं? रेल यानेन, रेलगाड़ी से प्रवास करने के लिए गच्छन्ति माने जा रहे हैं। इसके बाद में आता है बालकः क्रीडति। यह कंदुकम, कंदुकम का मतलब फुटबॉल या फिर बॉल। कंदुकम का मतलब होता है बॉल। छात्रा क्रीडति, बालकः क्रीडति, बच्चा क्रीडति का मतलब खेल रहा है। एक वचन है, ये भी एक वचन है, कि एक बच्चा खेल रहा है। तो बालकः केन क्रीडति, बच्चा किस से खेल रहा है? केन का मतलब किस से, तो बच्चा किससे खेल रहा है? बालकः कंदुकेन क्रीडति, बच्चा कंदुकेन, कंदुकेन का मतलब बॉल से, क्रीडति का मतलब खेल रहा है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। तो ये अपना पाठ यहाँ तक हो चुका है, तृतीय पाठ, और इसके चार वाक्य और बचे हैं, उनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक